नई जिंदगी। बहुत तौबा कबूल करने वाला है, इसका माना यह है कि एक मरतबा गलती हुई फिर तौबा कर ली, फिर गलती हुई फिर तौबा कर ली, फिर गलती हुई फिर तौबा कर ली, तो वो हर मरतबा तौबा कबूल करता है। बार 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 बार, लिहाजा ये समझना कि भाई मैंने एक मरतबा तौबा की थी, एक मरतबा इस्तगफार किया था और वो अब तो फिर पड़ गया इसमें। तो ये मा असर मन इस्तगफर बोलो हैं बोलो का फिर यो में आता बोलो वाला अज़नब में आता मान रहा कि जो इस्तगफार करता रहे वो कभी इसरार करने वालों में शामिल नहीं। जो कुरान करीम की आयत की तफसीर है कि वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अन्फुसहुम फ़ज़क़रुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ। कोई आदमी अपने जान पर जुल्म कर गया, जान पर जुल्म करने का माना गुनाह कर गया, तो अच्छे लोगों की तारीफ कर रहे हैं लेकिन अच्छे लोग कौन हैं? वो हैं जो अगर वो अपने जान पर कभी जुल्म कर गए तो ज़िक्रुल्लाह, जान पर जुल्म करके अल्लाह को याद करते, और अल्लाह को याद करके क्या करें, फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, इस्तग़फ़ार करते। अब बीच में ऐसा जुमला फरमाया, मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अरे अल्लाह के सिवा कौन माफ करेगा, मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और साथ है कि वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, जो कुछ किया था उस पर इसरार नहीं। अब इसरार के क्या माना, इसरार ना हो, उसका एक मतलब तो ये होता है इसरार न करने का कि भाई फिर ना करे, एक मतलब कर लिया फिर ना करे, एक मतलब तो ये। दूसरा ये है कि सीना जोरी ना करे, यानी जो गलती हो गई, जो गुनाह हो गया उसको गलती समझे, उसको गुनाह समझे और उसके ऊपर नादिम हो, नदामत हो, तो ये इसरार किसको कहते हैं, यार भाई क्या हो गया, एक आध मरतबा हो गया हमसे गुनाह, क्या बात हो गई, उसको उसकी ताबीर, गुनाह की ताबीर, और गुनाह पर वो गुनाह न समझना, और उसके ऊपर नदामत, जब आदमी ताबील कर रहा है उसको उसको कह रहा है कि मैं ठीक किया, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह बचाए, यह है इसरार। अलबत्ता अगर इस्तगफार कर किया, गलती समझी, गुनाह को गुनाह समझा, इस्तगफार किया, तो यह इसरार में फिर मुब्तला हो गया और फिर इस्तगफार किया, तो इसको पर इसकी तशरीह फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा असर व मन इस्तगफर, कि वो जो इस्तगफार करता रहे वो इस्तगफार करने वालों में शामिल नहीं होता। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि आदमी को कोई कोई गुनाह अगर उससे छूट नहीं रहा है तो इस्तगफार न छोड़े, और ये इस्तगफार करते 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 इंशाल्लाह अल्लाह ताला छुड़वा भी देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।